हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा कंप्यूटर 3D पॉलीलाइन। ये ऑप्शन आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस में, होम टैब में, ड्रा वाले ऑप्शन में, ये इस जगह पे आपका ये शो करता है 3D पॉलीलाइन। इसी कमांड है 3D पॉली वाई इंटर। ये आप कमांड से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और चाहे अपना ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्क स्पेस में यहाँ ड्रॉ वाले ऑप्शन पर रखे पर्टिकुलर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब आपकी कमांड एक्टिवेट हो जाती है 3D पॉली लाइन की, तो आपकी कमांड लाइन में ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ पॉली लाइन। तो आप इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं और फ्री हैंड भी अपने वर्क स्पेस में, क्योंकि आपके जो कर्सर में समय जो आपका ऑप्शन शो हो रहा है वहाँ पे कोऑर्डिनेट का भी आपका ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी अपने वर्क स्पेस में 3D पॉली लाइन क्रिएट कर सकते हैं और फ्री हैंड भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने फ्री हैंड वर्क स्पेस पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दिया इस तरह से और ऑर्थो मोड F8 ऑन कर लिया, तो इस तरह से आपकी लाइन क्रिएट हो रही है। किसी भी पॉइंट पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, कर्सर पर किया इस तरह से इंटर, तो इस तरह से आपकी 3D पॉली लाइन क्रिएट हुई। इसको हमने सेलेक्ट किया। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D पॉली लाइन से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका लाइन की तरह नहीं होता है। जैसे हम लाइन लेते हैं एल इंटर और किसी भी पॉइंट पे जब हम लाइन क्रिएट करते हैं सेम इस तरह से, तो देखिए जब आपका लाइन से बना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जिस स्टार्ट पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट जब आपका होता है तो वो आपकी लाइन बस उतने में ही कंप्लीट होकर वो कमांड आपकी क्लोज हो जाती है, लेकिन लाइन में उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका एक 3 ऑब्जेक्ट से बना हुआ ये ऑब्जेक्ट आपका होता है। लेकिन आपका 3D पॉली लाइन, जैसे हमारी पॉली लाइन ऑब्जेक्ट होता है, पॉली लाइन से भी हम लाइन जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपका लाइन प्लस आर्क ऑप्शन आता है। हमने राइट क्लिक किया, आर्क ऑप्शन किया इस तरह से, राइट क्लिक इंटर, राइट क्लिक कैंसिल। तो पॉली लाइन जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वहां पे आपका लाइन और आर्क ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है इस तरह से, तो ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपका जो 3D पॉली लाइन आपका ऑब्जेक्ट होता है उसमें सिर्फ आपकी लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, उसमें आपका आर्क शेप का पॉली लाइन की तरह ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं होता है। तो पॉली लाइन की जो कमांड होती है वो आपकी PL होती है और जो 3D पॉली लाइन की कमांड होती है वो होती है आपकी 3D पॉली। इससे सिर्फ आप पॉली लाइन की तरह आप लाइन तो क्रिएट कर लेते हैं और ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट आपका ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपका पॉली लाइन की में जो हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपका जो पॉली लाइन के बीच में ऑप्शन आ रहा है मिड लाइन के पास स्ट्रेच एडवर्टिस कन्वर्ट टू आर्क, वो आपका ये ऑप्शन 3D पॉली लाइन में आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता आपका यहाँ पे। स्केप सेलेक्ट डिलीट 3D पॉली फर्स्ट पॉइंट अर्थ मोड ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने अपने फर्स्ट पॉइंट दिया फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया, अब जब आपने थर्ड पॉइंट दिया तब आपका यहाँ पे कमांड लाइन में आपका क्लोज ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो गया। यही क्लोज ऑप्शन जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी क्लोज ऑप्शन आएगा। ये क्लोज ऑप्शन करते ही आपका लाइन का क्लोज आपका ऑप्शन होता कर देता है और आपकी कमांड को क्लोज कर देगा। आपकी लाइन के स्टार्ट पॉइंट को आपकी लाइन के इन पॉइंट से अटैच होती हुई एक लाइन ऑटो में वो क्रिएट होकर आपकी कमांड को क्लोज करता है। क्लोज ये देखिए इस तरह से स्पेस बार कमांड एक्टिवेट 3D पॉली, फिर से फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट एंड फिर सी इंटर करते ही आपकी लाइन 3D पॉली लाइन आपकी कमांड कंप्लीट होकर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से आपकी एक लाइन को क्रिएट करते हुए एक नई लाइन आपको क्रिएट करके आपकी कमांड को वो क्लोज कर देता है। जब अपने ऑब्जेक्ट को 3D लाइन से बने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं
और उसके स्क्वायर वाले इस पॉइंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए शो कर रहा है स्ट्रेच वर्टेक्स, मतलब हम इस या एड वर्टेक्स, ये दो ऑप्शन आपके शो कर रहे हैं। इसे हमें क्या करते हैं कि इसमें किसी भी पॉइंट को हम जब सेलेक्ट कर लेंगे तो इससे हम इसकी भी पोजिशन को ड्रैग करके फ्री हैंड इसमें मॉडिफिकेशन अपनी हम ड्राइंग में कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन, आपको एक पॉइंट आपको और लेना होता है एड वर्टेक्स का, तो इस पॉइंट पे हमने क्लिक करते हैं और एड वर्टेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर लाइन थी सेम पॉली लाइन में एड वर्टेक्स जिस तरह से आपका ऑप्शन आता था, उस लाइन को आप टू लाइन में डिवाइड कर लेते थे, तो यहाँ पे भी देखिए आपका थ्री पॉली लाइन में भी एड वर्टेक्स ऑप्शन करने से आपकी लाइन टू पार्ट में से हो जाती है। सेलेक्ट डिलीट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।